गांव सक्ताखेड़ा में धारनिया परिवार की बहू माया देवी की ओर से लगातार धुआंधार तरीके के साथ चुनावी प्रचार किया जा रहा है, जहां पर देर रात उनकी ओर से सक्ताखेड़ा गांव के वार्ड 9 व 10 के निवासियों की ओर से एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें खुले दिल के साथ समर्थन देने का ऐलान किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जहां पर ग्रामीण मौजूद रहे और रामगढ़िया परिवार ने भी उन्हें पूरा समर्थन दिया, जहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य मुख्तियार कौर और पूर्व मेंबर सहित बड़ी संख्या में जो वार्ड 9 व 10 के ग्रामीणों ने उनको अपना समर्थन दिया। इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण पुरुष व महिलाएं मौजूद रही, जहां पर माया देवी ने इस अवसर पर कहा कि वे सरपंच बनी तो गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलों के लिए विशेष रूप से कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि गांव के हर युवा को रोजगार मिले इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे, जहां पर माया ने कहा कि हमारा एक ऐतिहासिक गाँव है जिसने हमेशा मिलकर गाँव को प्रदेश का अग्रणी गाँव बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों का जिस प्रकार से उन्हें सहयोग व समर्थन मिल रहा है उससे वो बेहद उत्साहित है। आपको बता दें कि लगातार अजनीश कनेडी की ओर से भी और धारनिया परिवार की ओर से लगातार समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है, इसलिए परिवार का पहले से ही गांव में अच्छा मान सम्मान है। इस बार धारनिया परिवार की ओर से महिला आरक्षित सीट होने की वजह से माया देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। उन्होंने कहा कि अक्सर उनके परिवार की ओर से लंबे समय से ग्रामीणों के साथ मिलकर गाँव के उत्थान के लिए कार्य किए गए हैं, ग्रामीणों को उन्हें भरपूर सहयोग व समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अब भी 36 बिरादरी को साथ लेकर गांव के भाईचारे को मजबूत किया जाएगा और उन्हें खुशी है कि उनके गांव की सभी बिरादरियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जहां पर देर रात एक भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पर फूल मालाओं के साथ वार्ड 9 व 10 के तमाम ग्रामीणों की ओर से माया देवी को सम्मानित कर उन्हें समर्थन दिया गया। इस मौके पर सभी महिलाओं की ओर से माया देवी को आशीर्वाद देते हुए उनकी जीत को लेकर उन्हें अग्रिम बधाई दी गई, साथ ही ये कामना की गई कि उनकी गांव में एक सबसे बुलंद जीत हो। इस मौके पर संबोधन करते हुए सरपंच पद की प्रत्याशी माया देवी ने कहा कि आज जो उन्हें मान सम्मान पूरे वार्ड 9 और 10 के लोगों की ओर से दिया गया है वो उसकी ताऊ उम्र ऋणी रहेगी, साथ ही जो भी वायदे उनके परिवार की ओर से किए जा रहे हैं वो यथासंभव हर वक्त उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि गांव सक्ताखेड़ा में लगातार माया देवी की ओर से घर घर जाकर वोट की अपील की जा रही है और पूरे परिवार की इस बहू को धारनिया परिवार की ओर से इस बार जैसे चुनावी मैदान में उतारा गया तो पूरे गांव की ओर से उन्हें भरपूर समर्थन साथ और प्यार मिल रहा है, जहां पर देर रात आपको बता रहे हैं तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही है कि किस तरीके से फूलमालाओं के साथ उनका जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया और ग्रामीणों की ओर से उन्हें आश्वस्त किया गया है कि वो एक बुलंद जीत की ओर बढ़ रही है। इस मौके पर सरपंच पद की कैंडिडेट माया देवी की ओर से पहुंचे हुए तमाम लोगों का धन्यवाद किया गया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनको समर्थन भरपूर प्यार मिल रहा है उसके लिए सदैव उनका परिवार रहने रहेगा। उन्होंने कहा कि वे पूर्ण तौर पर आश्वस्त हैं कि उनकी जीत नहीं बल्कि ये पूरे गांव की जीत होगी, क्योंकि पूरे गांव का आशीर्वाद, बड़ों का, छोटों का प्यार, महिलाओं का साथ, बुजुर्गों का आशीर्वाद उन्हें लगातार मिल रहा है और जिन उद्देश्यों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में है उन्हें पूरा भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, डवाली।